दोस्तों ये मेरा गार्लिक का प्लांट है, देखिए, जिसको मैं करीब 5 दिन पहले ही सीडलिंग्स किया था, उसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाया हूँ, मेरे चैनल पे है। देखिए, मैं 4 गार्लिक लगाया था, लेकिन 3 का जर्मिनेशन देखिए बहुत जल्दी हो चुका है, सिर्फ 5 या 6 दिन ही हुआ होगा। इसके अंदर ही देखिए नया नया देखिए लीव्स निकल गया है। एक और मैं लगाया था इस जगह पर, लेकिन उसका अभी जर्मिनेशन हुआ नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैं जो तरीके बताया गार्लिक लगाने के, तो वो एकदम सक्सेसफुली लग चुका है मेरा। आप लोग भी ऐसे ट्राई कीजिए तो आप लोगों का भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा आज का मेन टॉपिक गार्लिक नहीं है, दोस्तों आज का मेरा मेन टॉपिक है ये मॉस रोज, जिसे हम लोग टीनो क्रॉक, उर्तुलेका और मैक्सिकन रोज ऐसे बहुत सारे नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसका मैं कटिंग लेके आया था, कटिंग लेके मैं लगा दिया हूँ। देखिए, यही से इसका नया जर्मिनेशन चालू हो गया है, और देखिए नए नए बर्ड्स भी आ रहे हैं, और इसमें कुछ दिनों में फ्लावरिंग भी चालू हो जाएगा। ये देखिए, बहुत सारे बर्ड्स आए हैं, ये देखिए, और यहाँ पर भी आए हैं। तो दोस्तों, इसको मैं कटिंग के थ्रू लगाया था, इसका इससे आप इसके सीड से भी आप जर्मिनेट कर सकते हैं इसको। ये एक छोटे से पॉट में भी लग जाता है। देखिए, मैं जो 5 लीटर वाला डिब्बा आता है फिनाइल ऐसा कुछ, उसका ही मैं ऊपरी हिस्सा काट के इसको लगा दिया था इसमें। और देखिए, मिट्टी भी ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन इसका देखिए ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। शायद कुछ 20-25 दिन पहले ही मैं इसको लगाया था, तो देखिए इसका भी नए नए बर्ड्स आना चालू हो गए, और फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक फ्लावर खिलने भी वाला था, ये देखिए, लेकिन 2 दिन से धूप इतना ज़्यादा है कि फ्लावर सूख गया है और गिर गया है। तो दोस्तों, समर के सीज़न में होने वाले प्लांट्स है, समर और रेनी सीज़न, एंड ऑफ रेनी सीज़न मतलब सितंबर अक्टूबर तक ये फ्लावरिंग करता रहता है। ये बहुत ही ईजी टू ग्रो होने वाले प्लांट है, ये एक सैकुलेंट वेराइटी है, तो आप ये घर में लगा सकते हो। इसका कलर बहुत ही यूनिक होता है और बहुत ही अच्छा है ये, और बहुत ही देखने में अच्छा लगता है ये। दोस्तों, ये इसको मैं जो पॉटिंग मिक्स में लगाया था वो था 60% गार्डन सॉइल, 25% सैंड और 25% में कंपोस्ट का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, मैं ये सभी प्लांट्स पे ऐसे ही पॉटिंग मिक्स यूज़ करता हूँ, और कंपोस्ट के लिए मैं काउडंग या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करता हूँ, वही चीज़ मैं इसमें भी इस्तेमाल किया हूँ। तो दोस्तों, इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसको आप हैंगिंग भी कर सकते हो, ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है हैंगिंग करने के लिए। दोस्तों, मैं ये हैंगिंग करने के लिए ही स्पॉट पे लगाया हूँ, इसको मैं हैंग कर दूंगा तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, इसको फुल सनलाइट बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसको फुल सनलाइट पे रखा कीजिए, और इसमें पानी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि इसका जो स्टेम होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसमें पानी स्टोर रहता है, इसमें ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन आप ध्यान रखिए, इसमें पानी ना जमा हो, इस जो पॉट पर लगा हुआ है उसका ड्रेनेज अच्छा हो, तो इसमें ये प्लांट्स बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। तो दोस्तों, ये तो था एक शॉर्ट वीडियो मेरा इस मॉस रोज प्लांट्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इसके बारे में कोई भी सुझाव कुछ देना चाहते हैं मुझे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिए। तो दोस्तों, चलते हैं, बाय।